Good morning students. We are doing chapter Biotechnology and its applications. Till now we have done biotechnological applications in agriculture in which we have discussed about pest resistance plants, Bt cotton, RNA silencing and today we will see our next topic and that is biotechnological applications in medicine. ठीक है मेडिसिन बायोटेक्नोलॉजी दिया दायोटेक्नोलॉजी दीकेशन ने बारे देखा एंड uh, थोड़ा जो शॉर्ट ही है ज़्यादा नहीं है लंबा है इट्स क्वाइट शॉर्ट सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक सो द आर डी एन ई टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसिस देव मेड इमेंस इम्पैक्ट इम्पैक्ट इन द एरिया ऑफ हेल्थ केयर ठीक है सो जी आर डी एन टेक्नोलॉजी है इन्हें हर फील्ड अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपना बहुत मेजर इंपैक्ट छ्डिया है एंड इस करके हेल्थ केयर वाली फील्ड के बहुत वड्डा इंपैक्ट है क्यों क्योंकि विद द हेल्प ऑफ आर डी एंड टेक्नोलॉजी ए पॉसीबल ह्यूज अमाउंट ऑफ इफेक्टिव थैरेप्यूटिक ड्रग्स गया विच आर सेफ ठीक है एट प्रेजेंट की जी आप गल करिए थर्टी रिकॉम्बीनेंट थेरेपिटिक्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड ठीक है थर्टी रिकॉम्बीनेंट थेरेपिटिक्स इदा दिया ने जो कि ह्यूमन यूज वास्ते वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड ने जो आप इंडिया की गल करिए इंडिया के एट प्रेजेंट इन्ह टू जीडिय ट्वेल्व थेरेपिटिक्स ने एट प्रेजेंट ट्वेल्व ऑफ दीज आर बींग ठीक है जो थर्टी और जहाँ ने इंडिया यूज होंगे पैट प्रजेंट सो जेनटीकली इंजीनियड इंसुलिन सब तो पहली एप्लीकेशन आ मेडिसिन इंसुलिन जेनिटीकली इंजीनियर इंसुलिन बना सो यू नो दैट कि अगर किसी डायबिटीज या किसी अडल्टू डबिटीज है उन्होंने इंसुलिन जी रेगुलर टाइम इंटरवल्स तो उन्होंने लैनी पैदी है ठीक है बट वट वुड हैपन इफ अ डायबेटिक पेशेंट डू नॉट एबल टू गैट दैट इंसुलिन अगर वो इंसुलिन अवेलेबल नहीं हैगी ह्यूमन इंसुलिन अवेलेबल नहीं होगी वट दैट डायबटिक पेशेंट विल डू ठीक है सो इन दिस केस आप कह सकते हैं कि इंसुलिन जी है ओ अदर एनिमल तो आइसोलेट की जा सकती है सो द मेन सोर्स ऑफ दिस इंसुलिन वॉज आइसोलेशन ऑफ इंसुलिन फ्रॉम एनिमल्स ठीक है सो एनिमल्स तो आइसोलेट की जा सकती है बट बट वुड द वुड द इंसुलिन आइसोलेटेड फ्रॉम अदर एनिमल्स बी जस्ट एज इफेक्टिव एज दैट इज बाय द ह्यूमन बॉडी इट सेल्फ कि जी जी ह्यूमन बॉडी इंसुलिन बनती पई है ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਉਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਇੰਸੂਲਿਨ ਆਪਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਤੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਨੀ ਹੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਊਗੀ ਐਨੀਮਲਸ ਵਾਲੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਵੀ ਐਂਡ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਮਿਊਨ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਅਲਰਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਕਿ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹਿਊਮਨਸ ਉਸ ਐਨੀਮਲ ਵਾਲੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੂਗੀ ਸੋ नाउ अडेज जी इंसुलिन है इट इज़ ऑपटेन फ्रॉम बैक्टीरियम यूजिंग टेक्नीकस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ठीक है बैक्टीरियम यूज़ किया जाता है वो तो जी जी इंसुलिन है ऑपटेन की जाती है बाय मेकिंग यूज ऑफ आर डी एन टेक्नोलॉजी ठीक है बट आप जो पहल गल करिए इंसुलिन वॉज अर्लीयर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेनक्रियाज ऑफ स्लोट कैटल एंड पिक्स ठीक है ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੈਟਲ ਐਂਡ ਪਿਕਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਟ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸੂਲਿਨ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਲਰਜੀ ਡਵੈਲਪ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫੋਰਨ ਪਾਰਟੀਕਲ ਫੋਰਨ ਅ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੰਗੂ ਉਸ ਇਨਸੂਲਿਨ ਨੇ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਿਊਮਨਸ ਨੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਸ ਇਨਸੂਲਿਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਨੇ ਐਂਡ ਅਲਰਜੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਟ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਟੂ ਸ਼ਾਰਟ ਪੋਲੀਪੈਪਟਾਈਡਸ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋ ਸ਼ਾਰਟ ਪੋਲੀਪੈਪਟਾਈਡਸ ਦੀ ਚੇਨਸ ਨੇ ਚੇਨ A ਐਂਡ ਚੇਨ B ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕਿੱਦਾ ਲਿੰਕਡ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦ ધ ਹੈਲਪ ਆਫ ਡਾਈਸੈਲਫਾਈਡ ਬਾਂਡ ठीक है नोना डाय सल्फाइड बोंड है जो कि ए एंड बी चेन में आपस जोड़ के रखता है सो यू कैन सी इन द स्ट्रक्चर दिस इज़ प्रो इंसुलिन मतलब कि मैच्योर फॉर्म नहीं है कि इमेच्योर फॉर्म आ तीन चेनस वेखन मिलदिया ने ए चेन बी चेन एंड सी चेन बट जदों मैच्योर फॉर्म के कन्वर्ट होंगी है इनसुलन उदों जी य सी चेन है आ वाली ए सैपरेट हो जाती so, so, okay, so, है तो जस्ट ए एंड बी so, चेंज रह जाएँ ने जो कि मैच्योर इंसुलिन रिप्रजेंट कर दया ने सो आ मकैनिज़म आर डी यूज किया गया थी है सो यू कैन सी थी इन द डायग्राम के फाइनली आप मैच्योर इंसुलिन मिल गई फ्रॉम प्री मैच्योर इंसुलिन जो आप प्रो इंसुलिन कह देंगे सो जो आप ह्यूमनज की गल करिए जी इंसुलिन है वो एज अ प्रो हारमोन सिंथिसाइज होंगी है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪੈਪਟਾਈਡ ਸੀ ਚੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਟਰਾ ਸੀ ਚੇਨ ਬਟ ਜੇਪਾ ਮੈਚੁਰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੋ ਆਰ ਡੀ ਐਨਏ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਚੈਲੰਜ ਮੇਨ ਚੈਲੰਜ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਚੁਰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਚੇਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਐਲੀਲੀਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ 80 ਉਹਨੇ uh, 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ एक एक्सपैरिमेंट किया जिद्दे दो डी एन ए सिक्युंसिज प्रपेयर किए विच आर कोरसपोंडिंग टू ए एंड बी चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन जो कि ह्यूमन ए ह्यूमन इंसुलिन की ए एंड बी चेन एकदम रिजेंबल करते हैं एंड ओ ए एंड बी चेन उन्होंने किच इंट्रोड्यूस किया प्लासमिट्स ऑफ ईकोलाई देख ठीक है इकोलाई प्लासमिट्स के उन्ह ए एंड बी चेन इंट्रोड्यूस किया ताकि इंसुलिन चेन क्रिएट हो सके इनसाइड द बैक्टीरिया ईकुलाई सो अगे जाके की देखिए उन्होंने कि जी चेन ए एंड चेन बी है दे वर प्रोड्यूस सैपरेटली एंड सैपरेटली ए एंड बी चेन एक्सट्रैक्ट कर लिया एंड आपस एना कंबाइन करता विद द हेल्प ऑफ डायसल्फाइड बॉन्ड्स एंड फाइनली वी गॉड द ह्यूमन इंसुलिन ये हम कोई Uh, कोई सी चेन का रोल नहीं है जस्ट डायरेक्टली ह्यूमन इंसुलिन मेड अप ऑफ चेन ए एंड चेन बी विद द हेल्प दे आर जॉइंट विद डाइसल्फाइड बॉन्ड्स रेडी सी ठीक है सो फाइनली ह्यूमन इंसुलिन इज़ रेडी फॉर यूज़